अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एंड माय व्यूवर्स। तो आज मैं एक और वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। तो स्टूडेंट्स एंड माय व्यूवर्स, आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि कैसे हम लोग अपनी एक पोस्ट चढ़ा सकते हैं। ओके, तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आ जाए अपने लिंक्डइन के अकाउंट पर। ओके, पिछले लेक्चर हम लोगों ने देखा था कि कैसे हम लोग कनेक्शन बना सकते हैं और जॉब ढूंढ सकते हैं। तो प्लीज़ अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखी तो ऊपर आ वाले बटन पर क्लिक करके चेक कर लें। ठीक है, अब पोस्ट कैसे चढ़ानी है। सिंपली आप अपने अकाउंट पे आएंगे तो आपके पास इधर सामने लिखा हुआ है स्टार्ट अ पोस्ट, इस पर आप क्लिक करेंगे। अब आपने कोई भी पोस्ट लानी आप चढ़ा सकते हैं। ओके, ऐड अ फोटो, वीडियो, डॉक्यूमेंट। अगर आप लोगों ने जॉब अपॉर्चुनिटी किसी और को देनी है तो आप दे सकते हैं कि भाई आप कुछ हायर कर रहे हैं, आप किसी ओकेजन पर सेलिब्रेट करना चाहते हैं, कोई पोल बनाना चाहते हैं, कुछ और ऐड करना चाहते हैं तो आप डाल सकते हैं। ओके, अपने आप कोई एक्सपर्ट ढूंढना चाहते हैं, हेल्प करना चाहते हैं, बहुत सारे ऑप्शन हैं हमारे पास। और उसके बाद आपके पास लिखा हुआ है कि आप कौन आपके पोस्ट पे कमेंट करें, आपके कनेक्शंस, कोई नहीं या कोई भी। ओके, ये भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अब मैं तो लिख देता हूँ दिस इज अ पिक, सिंपल मैंने चीज़ लिखी। मैं एक फ़ोटो डाल देता हूँ अपने पीसी से लेके। ओके, तो ये मेरे पास एक फ़ोटो आ गई। अब आप लोग इस पर टैग्स लगा सकते हैं। ओके, मैं सिंपली यहाँ पर किसी भी बंदे का टैग लगा सकता हूँ। ओके, कि उन पे ये पिक्चर्स टैग हो। ठीक है, ऑल टेक्स्ट लिख सकता हूँ इसके ऊपर कि फ़ोटो किस बारे में है, कि जैसे दिस इज अ फोटो ऑफ माय चैनल वीडियो। मैंने एक सिंपली डमी टेक्स्ट लिखा है, आप लोगों ने ज़रूरी ये नहीं लिखना, मैंने सेव किया। उसके बाद किसी को अपने टैग करना है तो आप टैग कर सकते हैं। मैं सिंपली यहाँ पर करूँगा डन पे क्लिक। अब देखिए, जब मैंने डन पे क्लिक किया तो वो कह रहा है कि कोई हैशटैग अगर आपने डालना है तो वो भी आप डाल सकते हैं। तो सिंपली आप हैशटैग डाल लें, हैशटैग फ्यूचर, मैं अपने चैनल का डाल रहा हूँ। ठीक है, आप लोगों की मर्ज़ी, आप कोई भी हैशटैग डाल सकते हैं। फिर आप चेंज कर सकते हैं कि कौन कमेंट करे कौन ना करे। ठीक है, सिंपली मैं क्लिक जब कर दूँगा पोस्ट पर तो थोड़ी सी लोडिंग करेगा और अपने आप ये पोस्ट हो जाएगी। तो ये देखें, पोस्ट हो गई मेरे पास और इधर क्या लिखा हुआ है, पोस्ट सक्सेसफुल व्यू। मैं इसको व्यू करता हूँ। अब देखें, यहाँ पर आपके पास ये भी ऑप्शन आ रहे हैं, आप इसको भी किसी को सेंड कर सकते हैं, किसी को शेयर कर सकते हैं, इस पर ख़ुद भी कमेंट कर सकते हैं, इसको लाइक कर सकते हैं। अगर लाइक के ऊपर हवर करेंगे तो उसके ऊपर भी बहुत सारे ऑप्शन ले जाते हैं, जैसे आप फेसबुक पर जाएँ तो उधर आते हैं, इसी तरह यहाँ पर भी आते हैं, वो भी आप कर सकते हैं। ओके, अब अपने पोस्ट को अगर आपने व्यू करना है तो इस तरह आप व्यू कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह आपकी पोस्ट दिख रही है। तो ये मेरे पास एक सिंपल तरीका है पोस्ट कैसे चढ़ानी है। तो अब मैं आप लोगों को एक और एग्जांपल देता हूँ वीडियो के साथ। वीडियो के साथ भी कोई मुश्किल नहीं है, सिंपल है, बिल्कुल इसी की तरह है। वीडियो पर क्लिक करेंगे या फिर वीडियोज़ मांगेगा। ठीक है, मैं कहता हूँ कि मेरे पास ये वाली वीडियो डाल दो जो मेरे पास है। ठीक है, तो अगर आप लोगों के वीडियो के फॉर्मेट वो नहीं है जो इन्होंने कहा हुआ तो वो सेलेक्ट नहीं होगी। जैसे मेरा फॉर्मेट अभी चेंज था तो मैं कोई और वीडियो इसमें डाल देता हूँ। मैंने वीडियो एक डाल दी, अगर मैं डन पे क्लिक कर दूँ तो मेरी वीडियो आसानी से इस पर अपलोड हो जाएगी। अगर आपने थंबनेल सेलेक्ट करना है तो आप थंबनेल भी सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो थंबनेल अभी मैंने कोई नहीं देना, या चले मैं आप दे देता हूँ। मैंने एक थंबनेल भी दे दिया और मैंने डन पे क्लिक कर दिया। अब मैं इधर कुछ लिखूंगा, कुछ भी डालूंगा, हैशटैग और पोस्ट कर दूंगा। ओके, सिंपल तरीका। तो ये था हमारे पास पोस्ट करने का एक बहुत ही आसान तरीका जो कि मैंने आप लोगों को बता दिया है। ओके, तो आई होप कि आपको आज की वीडियो की समझ आई होगी। और पिछली वीडियो के लिए बहुत बहुत सॉरी, मेरी पिछली वीडियो में बहुत शोर था, मुझे पता है, असल में मैं अपने किसी और कमरे में बैठा हुआ था और मुझे वीडियो बनानी थी। ओके, तो आई होप कि इस वीडियो में शोर बिल्कुल ना हो। ओके, तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसे लाइक करें, बेल आइकन पर दबाना बिल्कुल मत भूलें और शेयर करें ताकि जितने भी वेब डिज़ाइनिंग, ग्राफिक डिज़ाइनिंग या कोई और स्किल्स लेनी है वो ले सके। ओके, तो स्टूडेंट्स एंड माय व्यूअर्स, अल्लाह हाफिज़।